गर्ल्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद सेक्शन सी ऑफ बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री विच इज़ क्रोमैटोग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटोग्राफी के बारे में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, जस्ट इंट्रोडक्शन क्रोमैटोग्राफी की, तो आपने ये ध्यान रखना है कि क्रोमैटोग्राफी एक लेबोरेटरी टेक्निक है, मतलब जो लेबोरेटरी में हम करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। कि अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उनको सेपरेट करो, ठीक है। तो जैसे आप लैब में यूज़ करते हो फॉर सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं हम मेथड, या डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं मेथड, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। लेकिन उन मेथड्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि उन मेथड्स में जो भी कंपोनेंट्स आप लेते हो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उनको इजीली सेपरेट कर पाते हैं बाय डिस्टिलेशन और बाय क्रिस्टलाइजेशन और बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और यू कैन से ऑलमोस्ट सेम उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और तब आपको बोला जाए कि इनको सेपरेट करो, तो उस केस में आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में आप यूज़ करते हो क्रोमैटोग्राफी का। तो आपने याद रखना है कि क्रोमैटोग्राफी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, राइट, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, क्रोमैटोग्राफी इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1900 बाय H.S. स्वेट। क्या किया था उसने, ही सेपरेटेड द प्लांट पिगमेंट्स क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड सेवरल अदर कलर्ड वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट बाय पासिंग देयर मिक्सचर्स थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट कॉलम, ठीक है। मतलब क्या किया उसने कि एक मिक्सचर था उसके पास जिसमें क्लोरोफिल भी थे, जेंथोफिल भी थे, या कुछ और कलर्ड वेजिटेबल पिगमेंट्स थे, उन सब का एक मिक्सचर था। तो उसने उनको सेपरेट किया, क्लोरोफिल को अलग किया, जेंथोफिल को अलग किया, या जो और पिगमेंट्स थे उनको अलग अलग किया, ठीक है। कैसे, उस मिक्सचर को उसने पास किया बाय कैल्शियम कार्बोनेट कॉलम। तो क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट एक्ट एज एडजॉर्बेंट, तो ये जो आपके पिगमेंट्स थे ये इस एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हुए। लेकिन क्या हुआ कि क्लोरोफिल की एड्जॉर्प्शन अलग हुई, जेंथोफिल की एड्जॉर्प्शन अलग हुई, या जो और पिगमेंट्स थे उनकी एड्जॉर्प्शन अलग अलग पॉइंट पे हुई। तो इस तरह से उनको उसने सेपरेट किया। तो वही चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट एज एड्जॉर्बेंट एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस गेट एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। क्लोरोफिल की एड्जॉर्प्शन अलग हुई, जेंथोफिल की अलग हुई, या कोई और पिगमेंट था उसकी एक्सटेंट अलग था एड्जॉर्प्शन का। इससे क्या हुआ कि जब उनकी एड्जॉर्प्शन अलग अलग हुई तो जहाँ जहाँ उनकी एड्जॉर्प्शन हुई वहाँ वहाँ कलर बैंड्स बने। क्लोरोफिल का अपना कलर बैंड बना, जेंथोफिल का अपना कलर बैंड बना, या जो और पिगमेंट थे उनके अपने कलर बैंड्स बने। तो इन कलर बैंड्स को स्वेट ने क्या बोला, क्रोमैटोग्राम्स, ठीक है। तो कलर बैंड्स जो बने उनको क्या बोला, क्रोमैटोग्राम्स, और इस प्रोसेस को क्या बोला उसने फिर, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मिक्सचर था पिगमेंट्स का जिसमें क्लोरोफिल भी था, जेंथोफिल भी था, या और पिगमेंट्स भी थे, उनको उसने सेपरेट किया बाय देयर एड्जॉर्प्शन ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर क्लोरोफिल की एड्जॉर्प्शन अलग होगी, जेंथोफिल की एड्जॉर्प्शन अलग होगी, या जो और पिगमेंट है उसकी एड्जॉर्प्शन अलग होगी। तो इस तरह से उनको आइडेंटिफाई भी किया और फिर सेपरेट भी किया। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स बने हर एक के, उनको बोला क्रोमैटोग्राम्स। तो व्हाट इज, अगर आपको वैसे पूछा जाए कि क्रोमैटोग्राफी जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है, क्रोमैटो मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो इसको बोलते हैं कलर राइटिंग। तो वैसे इसका मतलब है, दैट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रोमैटोग्राफी, दैट इज़ कलर राइटिंग, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपकी राइटिंग आएगी वो कलर फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो मतलब बैंड्स बनेंगे, कलर बैंड्स, जिनको आप बोलोगे क्रोमैटोग्राम्स।
तो ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि क्रोमेटोग्राफी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड इट इज़ बेटर देन अर्लियर यूज मैथड्स दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन फॉर सेपरेशन. बेटर है उनसे. क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप वो वाले कंपोनेंट्स भी मिक्स कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, तो और मेथड से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन क्रोमेटोग्राफी से आप उन कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हो विच हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन. वैसे तो पता ही लग गया आपको कि क्या होती है क्रोमेटोग्राफी. डेफिनेशन अगर प्रॉपर पूछी जाए आपको, तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज अचीव्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम बिटवीन टू फेजेस, वन इज स्टेशनरी फेज एंड वन इज मोबाइल फेज. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि जिसमें आप मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ठीक है, पहले बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड देन बिटवीन मोबाइल फेज. तो दो फेजेस बनते हैं, एक स्टेशनरी फेज एक मोबाइल फेज, वही है क्रोमेटोग्राफी. अब क्या है कि कंपोनेंट्स हेल्ड इन, तो पहले कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी फेज में. ठीक है, तो कंपोनेंट्स हेल्ड इन स्टेशनरी फेज आर रिटेन्ड लॉन्गर. ठीक है, बहुत टाइम के लिए वो वहाँ रहेंगे. उसके बाद देन दोज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोबाइल फेज. राइट, फिर उसके बाद मोबाइल फेज में जाएंगे, लेकिन वहाँ वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे एंड दस एल्यूटेड फ्रॉम द सिस्टम एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड सेपरेशन इज अचीव्ड. तो क्या होगा कि जो आपका मिक्सचर है उसको आप पहले स्टेशनरी फेज में डालोगे, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्प्शन होगी उनकी, फिर जिसकी एड्सॉर्प्शन जल्दी हुई वो फटाफट से मोबाइल फेज में चला जाएगा, जिसकी एड्सॉर्प्शन थोड़ा लेट हुई वो थोड़ा लेट जाएगा मोबाइल फेज में, और इसी तरह से फिर उनकी आप क्या कर दोगे? सेपरेशन. क्यों? मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन कैसे आप अचीव करते हो क्रोमेटोग्राफी में? सबसे पहले एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द स्टेशनरी फेज, वही चीज़ मैंने आपको बोली कि पहले एड्सॉर्प्शन होगी उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स की स्टेशनरी फेज पे. अब जो एड्सॉर्प्शन हुई वो डिफरेंट डिफरेंट हुई. ठीक है, कुछ जल्दी एड्सॉर्ब होंगे, कुछ कम टाइम के लिए एड्सॉर्ब होंगे, मतलब कुछ लेट एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, तो जितने जिस तरह से वो एड्सॉर्ब हुए उसी तरह से वो फिर कहाँ जाएंगे? मोबाइल फेज में. जो जल्दी एड्सॉर्ब होगा वो जल्दी मोबाइल फेज में जाएगा, जो लेट एड्सॉर्ब होगा वो लेट मोबाइल फेज में जाएगा. तो पहले होगी एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द स्टेशनरी फेज, फिर सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट बाय मोबाइल फेज. ठीक है, सेपरेशन क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं, जो इजिली एड्सॉर्ब हो गए वो फटाफट से मोबाइल फेज में चले जाएंगे, तो और जो इजिली एड्सॉर्ब नहीं हुए वो वहीं रहेंगे थोड़े टाइम और फिर जाएंगे मोबाइल फेज में जब उनकी एड्सॉर्प्शन हो जाएगी. तो इसी तरह से आपने उनको क्या कर दिया? सेपरेट. और फिर थर्ड में आप रिकवरी करोगे एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट की बाय कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मोबाइल फेज. ठीक है, ठीक है, एक बार सेपरेट हो गए फिर आप उनकी रिकवरी करोगे एंड दिस रिकवरी इज कॉल्ड इल्यूशन. राइट, तो दिस इज़ द क्रोमेटोग्राफी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्रोमेटोग्राफी है, किस तरह से है, क्या उसकी डेफिनेशन है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इसमें आपके कंपोनेंट दो फेजेस में जाते हैं, पहले स्टेशनरी फेज में, फिर मोबाइल फेज में, और फिर एंड होती है उनका रिकवरी. मतलब रिकवरी मींस जहां पे आप उनको सेपरेट करके अलग करके रिकवर करते हो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन. ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है जो स्टेशनरी फेज है दैट इज़ मेड अप ऑफ पोरस सॉलिड लाइक सिलिका, एल्यूमिनिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, और जो मोबाइल फेज है दैट मे बी सॉल्वेंट और गैस. ठीक है, किसके बने हैं स्टेशनरी फेज और किसका बनता है मोबाइल फेज. तो प्रिंसिपल तो वैसे हमने डिस्कस कर ही दिया क्रोमेटोग्राफी का. तो अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं अगर कि क्या है प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का, तो क्रोमेटोग्राफी में आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, और कंपोनेंट्स किस बेस पे सेपरेट हुए? वो सेपरेट हुए कि उनकी स्पीड क्या थी एड्सॉर्प्शन की. ठीक है, स्टेशनरी फेज में जब वो एड्सॉर्ब हुए तो उनकी स्पीड क्या है, उस स्पीड के बेस पे आपने उनको क्या किया? सेपरेट. क्योंकि जो जल्दी एड्सॉर्ब होगा वो जल्दी से मोबाइल फेज में जाएगा और उसकी सेपरेशन हो जाएगी, और जो लेट एड्सॉर्ब होगा वो लेट मोबाइल फेज में जाएगा और उसकी एड्सॉर्प्शन फिर या उसकी सेपरेशन फिर बाद में होगी. तो डिफरेंस इन द स्पीड से आपने क्या कर दी? उनकी सेपरेशन.
तो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू स्टेशनरी फेज. ठीक है, कि जिस बेस पे वो स्टेशनरी फेज में माइग्रेट होंगे या एड्जॉर्ब होंगे उसी बेस पे होगी उनकी सेपरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स पोजेस डिफरेंट एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. डिफरेंस इन स्पीड ऑफ कंपोनेंट्स कॉजेज सेपरेशन. कंपोनेंट्स जो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे वो स्लोली मूव करेंगे और जो कंपोनेंट्स सॉफ्टली हेल्ड होंगे वो फास्ट मूव करेंगे. ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो कंपोनेंट स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएगा वो मूव स्लोली करेगा और जो सॉफ्टली हेल्ड होगा वो फास्ट मूव करेगा और उस बेस पे आपने उनकी क्या कर दी, सेपरेशन. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज डिफरेंस इन स्पीड ऑफ कंपोनेंट्स कॉजेज सेपरेशन. उसके बाद एक चीज़ आती है इसमें विच इज़ कॉल्ड रिटेंशन फैक्टर और RF वैल्यू. डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेटेड ऑन क्रोमेटोग्राम आर आइडेंटिफाइड बाय RF वैल्यू. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेंशन फैक्टर वैल्यू. वट इज़ रिटेंशन फैक्टर? इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन. बिल्कुल सिंपल है गर्ल्स, जैसे मैंने एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया या कोई भी फिल्टर पेपर, जो एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है उसको हमने बोला क्रोमेटोग्राफिक पेपर. ठीक है, सपोज दिस इज क्रोमेटोग्राफिक पेपर. और मैंने क्या किया कि एक लाइन लगा ली अपनी मर्जी से, बेस से थोड़ा सा ऊपर. ठीक है, एक लाइन लगा ली मैंने और उस लाइन के ऊपर मैंने स्पॉटिंग करनी है. वो स्पॉटिंग किसकी की मैंने? उस मिक्सचर की. ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स को मैंने सेपरेट करना है. तो मैंने जैसे सपोज करो किसी भी का भी मिक्सचर ले लिया मैंने, कॉपर का मिक्स, कॉपर का निकल का साथ एल्युमिनियम के साथ, ऐसे तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर ले लिया. ठीक है, उसमें तीनों हैं. ठीक है, और मैंने अब उनको सेपरेट भी करना है और उनको अलग करके उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है. तो क्या किया मैंने, एक पेपर लिया जिसको मैंने क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोला, उसके थोड़ा सा बेस से ऊपर मैंने अपने हिसाब से एक लाइन खींच ली. ठीक है, और उस लाइन के ऊपर मैंने स्पॉटिंग कर दी, वो जो मिक्सचर था उसको यहाँ पे लगाया. ठीक है, किसी चीज़ के साथ, जैसे टेस्ट ट्यूब के साथ या टेस्ट ट्यूब नहीं सॉरी किसी रॉड के साथ या किसी कैपिलरी के साथ, उसको लेके मैंने उस पॉइंट को इधर लगाया. ठीक है, तो आपको पता है उसको कहते हैं स्पॉटिंग, कि उस लाइन के ऊपर मैंने वो मिक्सचर लगा दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस मिक्सचर को मैंने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है. ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि सबसे ऊपर आपको एक लाइन दिखेगी. वो लाइन किसकी होगी? वो लाइन होगी उस सॉल्वेंट की जिसमें आपने उस मिक्सचर को डिसॉल्व किया है. तो दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट. तो अलग अलग हो रहे हैं सारे. ठीक है, मिक्सचर में से सॉल्वेंट अलग हुआ, वो ऊपर चला गया, और जो मिक्सचर के तीन कंपोनेंट थे जो मैंने आपको बताया, जैसे कॉपर, निकल, एल्युमिनियम या कोई और कंपोनेंट, वो तीनों अलग अलग हो गए. ठीक है, तो इस पॉइंट से वो मूव कर रहे हैं. सपोज करो ए कंपोनेंट इधर तक गया, तीन पॉइंट्स दिखेंगे आपको. ठीक है, फिल्टर पे आपने सिर्फ एक पॉइंट लगाया है इधर, राइट, लेकिन जब आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो आपके पास तीन इस तरह के पॉइंट दिखेंगे, क्योंकि आपने तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर लिया है और साथ में सॉल्वेंट है. ये सॉल्वेंट फ्रंट बनेगा. तो आप देखोगे ये तीन पॉइंट्स बने मेरे पास, इसका मतलब मेरे तीनों कंपोनेंट्स इसमें से सेपरेट हो गए. ठीक है, तो अब मैंने वो डिस्टेंस देखना है कि वो डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो आप देखोगे ये था ओरिजिनल पॉइंट. ठीक है, ये ओरिजिनल पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो दैट इज़ राइट, इसका आ जाएगा. इसी तरह से बी का ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया वो उसका आ गया डिस्टेंस. सी का यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, ये सी का आ गया. और सॉल्वेंट फ्रंट का तो कांस्टेंट ही रहेगा सबके लिए, तो आप उसको डिवाइड करोगे. ए की RF वैल्यू क्या आएगी? जो डिस्टेंस उसने मूव किया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट. बी का क्या आएगा? जो डिस्टेंस उसने मूव किया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट, वो सेम ही रहेगा. सी का क्या आएगी RF वैल्यू? जो डिस्टेंस उसका आया यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसका डिस्टेंस हो गया सॉल्यूट का, और जो सॉल्वेंट का आया उससे उसको डिवाइड कर देना है, जो तीनों के लिए सेम ही रहेगा, तो वो आ जाएगी RF वैल्यू. ठीक है, तो ये जो RF वैल्यू है ये डिपेंड करती है सब्सटेंस की नेचर पर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज पर, एंड क्वालिटी ऑफ द फिल्टर पेपर यूज्ड. तो बिल्कुल सिंपल है RF वैल्यू, कि आपने सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट. ठीक है, इस तरह से दूसरे सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट. सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस क्या है? ये ओरिजिनल पॉइंट था,
ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इस डिस्टेंस को नापेंगे आप स्केल से, ठीक है। ए का क्या डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव किया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। सी का क्या डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, इस मापेंगे इसको और इससे डिवाइड करेंगे, तो दैट इज़ आर एफ वैल्यू ऑफ सी। तो इस तरह से आपने तीनों कंपोनेंट्स की आर एफ वैल्यू निकाल दी और उनको अलग अलग सेपरेट भी कर दिया, ठीक है। और लास्ट में अब थोड़ा सा करना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले तीन वेज हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड द स्टेशनरी फेज, क्योंकि दो ही फेजेस में इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या इंटरेक्शन हो रही है या क्या इंटरेक्शन है सॉल्यूट और स्टेशनरी फेज की, उसके बेस के ऊपर तीन तरह के क्रोमेटोग्राफी है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज, ठीक है। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल फेज, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्या हो गया कि इस केस में मोबाइल फेज कौन होगा, गैस, इस केस में मोबाइल फेज कौन होगा, लिक्विड, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर, और लास्ट है बेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप, जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से जो आपके सिलेबस में दिखाई गई है, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स डिस्कस करेंगे गर्ल्स, वो मेनली करेंगे दो, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड दैट इज़ द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड का जो शेप बनती है उसके बेस के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड द टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।